राजधानी पटना में गुरुवार की रात लगातार बारिश होने से पटना में जल जमाव की स्थिति बन गई है। वहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जमाव वाले इलाकों का जायजा लेने निकल गए हैं। मुख्यमंत्री के साथ सरकार के अधिकारियों का बड़ा जत्था भी निकला है। मुख्यमंत्री लगातार पटना के तमाम बड़े सम्प हाउस और नालों का जायजा ले रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच आनन फानन में मुख्यमंत्री ने निरीक्षण का कार्यक्रम तय किया और अब वह पटना के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। सबसे पहले सीएम पटना के पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां उन्होंने इंडोर स्टेडियम में बने कोविड केयर अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री लगभग आधा दर्जन जगहों पर सम्प हाउस और ड्रेनेज सिस्टम का मुआयना करेंगे। सीएम पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स के अलावे योगीपुर सम्प हाउस, पहाड़ी ड्रेनेज के अलावे बादशाही पइन, बस टर्मिनल, बैरिया, गांधी सेतु इलाके का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि बीते साल पटना में जल प्रलय के बाद सरकार ने लगातार राजधानी को जल जमाव से बचाने के लिए नीति बनाई थी, लेकिन अब तक उस पर काम पूरा नहीं हो सका है। बीती रात से हुई लगातार बारिश के बाद पटना के ज़्यादातर मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिसे देखते हुए अब खुद मुख्यमंत्री ज़मीन पर उतरने वाले हैं। मुख्यमंत्री इस निरीक्षण के दौरान सभी जगहों पर जाएंगे और सम्प हाउस परिचालन, ड्रेनेज सिस्टम की सफाई का भी जायजा लेंगे। उनके साथ राज्य के अधिकारी और नगर विकास विभाग के साथ साथ बुडको के अधिकारी, पटना नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।